आज आप इसे चंद लोग बैठे रहोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भीड़ से डरते हैं, ये लोकतंत्र है, भीड़ से डरते हैं सर। जितने ज्यादा सर दिखेंगे उतनी खड़बड़ाहट होगी कि कहीं ये वोट बैंक खिसक ना जाए, कहीं ये वोट देना हमें बंद ना कर दें। भैया इस चीजों से भी डराना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जो लोकतांत्रिक तरीका है उससे अपन मांग रहे हैं, उससे मांग ले तो ठीक है, दे दे तो बहुत अच्छा, नहीं दे तो फिर देखी जाएगी जो करना है। अपना क्या है, जिए जिए मरे मरे, क्या करना है अपनों को, ज्यादा लोड लेना नहीं, जब तक समझाएंगे समझ जाए तो अच्छा, नहीं तो कुछ और रास्ता निकालेंगे, क्योंकि निकल तो पड़े हैं आप। अब ये बहुत हो गया, क्योंकि हर चीज की एक हद होती है ना, आप किसी कौम को कितना टारगेट करोगे, हर बात में तोहमते इल्जाम झूठे इल्जाम, थक गया हमारी खामोश जो हम रहे ना, ये भी हमारी गलत राह, हमें बोलना चाहिए, अगर कुछ गलत है तो बोलना पड़े। अच्छा ये वक्त आ गया जब हम इजहार करें दूसरी कौमों से भी मोहब्बत का, हम लोग इस मामले में कंजूस हैं। आज दूसरी कौम कुछ करती, कभी खाना चाय पानी लेकर गए नहीं गए, जब से शाहीन बाग है, जब से बड़वाली चौकी है, दो दो तीन तीनों हाथी, छोटे हाथी भर के खाना ला रहे हैं सरकार लगातार नॉन स्टॉप, हमने ऐसा कभी नहीं करा। थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा, थोड़ा इजहार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं हम सब साथ हैं, उनके त्योहारों में हिस्सा लें या पानी लगा दें, छबील लगा दें, कुछ भी करें। लेकिन चूंकि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जो बहुत मुख्तलिफ मजहब और धर्म के लोग हैं, तो वहां पर अब हमें थोड़ा रहना चाहिए। अपन भी थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं, थोड़े से अपने अपने में रहते हैं, थोड़ा अपन खुल के आएंगे ना तो अपन तो वैसे बहुत प्यारे लोग हैं यार, अपन किसे तकलीफ देते हैं, बस ये कि अपन इजहार नहीं करते, वो इजहार करना अब शुरू करना पड़ेगा। ये भी एक थोड़ी थोड़ी कोशिश है, सब करें उनके लोगों से मोहब्बत का इजहार करें, उनका कोई भी काम हो, ट्रैफिक जाम होता है अपन लोग कभी खड़े नहीं होते, क्या हमारे चार लोग दाढ़ी टोपी वाले अगर ट्रैफिक हटाएंगे तो ये अच्छा है ना, लेकिन हम इस तरह के किसी सोशल वर्क में कभी हिस्सा नहीं लेते, ये अब अदबदा के लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो इन्होंने 70 साल मेहनत करी, जब जाके ये इस मुकाम पे पहुंचेंगे अपनों को महाबदनाम कर चुके हैं, और अभी अपनों को जाके 70 दिन भी नहीं हुए, तो इनके 25,000-26,000 दिन हो चुके हैं, हमारे 7-8-10 दिन है, बहुत लंबा गैप है, मेहनत ज्यादा लगेगी, स्पीड ज्यादा लगेगी, लोग ज्यादा लगेंगे, हाथ ज्यादा लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जहर बोया गया है, बहुत यार एक बच्चा गोली चला रही है 17 साल का, आप सोचो ना आप कहाँ के खड़े हो गए, तो अभी अपनी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपन बताएं कि नहीं हम भी इस मुल्क से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, हम इसके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, हम इस मुल्क के लिए मुफीद हैं, हम अच्छे लोग हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन अब बताना भी पड़ेगा। घुटनों का दर्द आज एक आम मसला बन गया है, बूढ़े तो बूढ़े आज जवान भी घुटनों के दर्द से परेशान हैं और दर्द को दूर करने वाली गोलियां खाकर अपने गुर्दे खराब कर रहे हैं। क्यूपीएस फार्मास्यूटिकल्स ने एक हैरत अंगेज और करिश्माती लेप ईजाद किया है, जिसके जरिए सैकड़ों अफराद ने घुटनों के दर्द से नजात हासिल की है। इस लेप का नाम है तजसीस, जो हिंदुस्तान भर में सिर्फ हैदराबाद में दस्तियाब है और वो भी चुनिंदा यूनानी मेडिकल स्टोर्स पर, अलबत्ता होम डिलीवरी की सहूलत फराहम की गई है। इसके लगाने का एक खास तरीका है, इस तरीके के मुताबिक दवा लगाने का नतीजा ये होगा कि आप दूसरे ही दिन से दर्द में इफाका महसूस करने लगेंगे और फिर बेइज़्निल्लाह चंद ही रोज में दर्द गायब। तरीका गौर से सुनिए और देखिए। याद रखिए कि ये लेप सिर्फ रात में सोने से पहले लगाया जाता है। दर्द वाले हर घुटने पर 2-4 चम्मच लेप अच्छी तरह लगा दें और उसको कॉटन से ढक दें, फिर उस पर पट्टी बांधकर सो जाएं। सुबह उठने के बाद पट्टी खोल दें और घुटने को पानी से धो डालें। जब दवा निकल जाए तो कपड़े से पोंछ सुखाकर दरमान तेल का हल्का मसाज करें, यहां तक कि तेल जज्ब हो जाए। अगर मौसर और तेज इजाफा चाहिए तो तेल को पान के पत्तों के चिकने वाले हिस्से पर लगाकर गर्म भाप बताएं और उससे दर्द वाले हिस्से पर सेका देते जाएं। बाद में तेल को पोंछ डालें। हो गया आपका काम। यही तरीका चंद रोज तक इख्तियार करते रहें। चंद ही दिनों में आप हैरतअंगेज फायदा महसूस करेंगे। अगर आपको इन बातों पर यकीन ना आए तो कोई बात नहीं, एक बार लगाकर देख लें, दवा खुद आपको बता देगी कि हमारी बात में कितना दम है।
तजसीस और दरमान का एक पैक आपको 495 रुपए में मिल जाएगा। तारुफी पेशकश के तौर पर हैदराबाद सिटी लिमिट्स में आपको मुफ्त होम डिलीवरी की सहूलत भी फराहम की जा रही है। मजीद मालूमात के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7702927701।